हमीरपुर जिला में जिला स्तरीय एक दिवसीय मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हमीरपुर के इंडोर स्टेडियम अणु में शनिवार संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ बैडमिंटन जिला प्रधान सुशील शर्मा ने किया। प्रतियोगिता में 35 आयु वर्ग से 75 आयु वर्ग में पुरुष एवं महिलाओं के मुकाबले आयोजित करवाए गए। प्रतियोगिता में सभी को अपना आयु प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य किया गया था। वहीं प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा और ये प्रतियोगिता युगल, एकल और मिश्रित सभी वर्गों में करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका प्रदीप ठाकुर ने निभाई। जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में विजेता रहेंगे वो ऊना में 15 से 17 फरवरी तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमीरपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला स्तरीय जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता हमीरपुर जिला जो है इस प्रतियोगिता को आज से आरम्भ करने जा रहा है और इसमें सभी आयु वर्ग के 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ सभी आयु वर्ग के जो खिलाड़ियों का मिश्रित युगल और एकल प्रतियोगिता करवाई जा रही है। जो यहाँ से प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहेंगे वो फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि ऊना में होनी है 15, 16, 17 को, वहाँ पर हमीरपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे ये खिलाड़ी। इस प्रतियोगिता में लगभग जो बैटन प्रतियोगिता हो रही है इसमें लगभग 52 प्लेयर अभी तक एंट्री हुई है इसमें ले रहे हैं, जिसमें 4 जो हैं महिला खिलाड़ी भी हैं। इस बार पहली बार प्रतियोगिता में आई हुई जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हमारे सभी 5 ब्लॉकों के जो खिलाड़ी हैं बैटन वर्ग के वो हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश में भी हमारे जिला का नाम रोशन करेंगे। इसमें भोटा और बड़सर भोरंज बिजड़ नदौन सुजानपुर इन सभी ब्लॉक्स के जो हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे जो इन सर्विस हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं।